आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले पाचन क्रिया को सही रखना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद समाधान आज आपके लिए लेकर आया है कि आप बुखार में गर्म पानी आखिर क्यों पिए। डॉक्टर्स का ये मानना है कि आपका अगर पेट ठीक है तो आपको आधी से ज्यादा बीमारियां तो कभी नहीं होंगी। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप ठीक हैं। आपने ये कहावत सुनी भी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर से ही दिमाग स्वस्थ होता है और जब स्वस्थ दिमाग होता है तो स्वस्थ विचार आते हैं जिनसे हमारे जीवन की आधारशिला रखी जाती है। हम दिन पर दिन तरक्की करते हैं। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है आपकी पाचन शक्ति का सुदृढ़ होना। भोजन के सही डाइजेशन के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है। इसी के चलते हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है और हम अपने जीवन में वो हासिल नहीं कर पाते जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। जिस प्रकार व्यायाम में अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भोजन में भी अनुशासन महत्वपूर्ण है। अधिक खाना, अनियमित खाना, देर रात तक जागना, ये सारी स्थितियां आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब ये आवश्यक हो जाता है कि पाचन शक्ति को दुर्बल होने से बचाया जाए। पाचन तंत्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए गर्म पानी जरूरी है। तो अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप कुछ भी खाते हैं पेट खराब हो जाता है, अफरा हो जाता है या फिर जलन होती है, तो आप गर्म पानी का सहारा लेना शुरू कर दीजिए जो आपकी पाचन क्रिया को सही रखेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि पेट के लिए गर्म पानी कितना ज़रूरी है। गर्म पानी पीने से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। सुबह खाली पेट और रात को खाने के बाद गर्म पानी से पाचन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन सुबह खाली पेट का मतलब है कि आप जैसे ही उठें उसके 5 या 10 मिनट बाद गर्म पानी, हल्का गुनगुना गर्म पानी आप पीजिए। खाना खाने के बाद गर्म पानी पीने से हमारा तात्पर्य है कि गर्म पानी खाना खाने के 30 मिनट बाद ही पिए। गर्म पानी से कब्ज और गैस जैसी समस्याएं नहीं होती। भूख बढ़ाने में भी एक गिलास गर्म पानी बहुत फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि अगर किसी को बुखार आ जाता है, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ठंडे पानी की पट्टियां रखें ताकि ज्यादा बुखार ना चढ़े। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी को तेज बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टियां अवश्य रखें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुखार के दौरान आप ठंडा पानी पी लें तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आपको बता दें कि बुखार के दौरान केवल गर्म पानी का ही सेवन करें। फ्रिज से निकला हुआ पानी या नॉर्मल पानी ना पिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जाना आपने कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए गर्म पानी कितना जरूरी है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।